झुका कर सर तेरी मोहब्बत का हम एहतराम करते हैं, झुका कर सर तेरी मोहब्बत का एहतराम करते हैं। आज से नहीं, हम सभी माँ भारती तेरे बेटे तेरे नाम लिए जिंदगी नाम करते हैं। आज गणतंत्र दिवस का दिन है और तमाम तरह की झांकियां अभी यहां से निकाली गई है जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जागरूकता लाने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए, चाहे साफ सफाई हो, चाहे पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, या चाहे हमारी सामाजिक जीवन की बातें हों, उन सभी को में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक झांकियां, काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी तो आज वो सारी झांकियां प्रदर्शित की गई हैं। हमारे साथ एक शायर हैं और वो भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही खास है। बधाई हो आपको बिटिया हुई, अक्सर लोग कहते हैं कि बधाई हो आपको बेटा हुआ है, लेकिन एक नई पहल आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती, एक नई पहल यहाँ से शुरू हुई है, बधाई हो आपको बिटिया हुई है। और कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि लोगों में जागरूकता अभियान के तहत इन सभी जो बैबनस की चीज़ें हैं, जो बिखराव पैदा हो रहा है समाज में, उन सभी को दूर किया जा सके और जो सही मायने में, जो हम बराबरी का हक देने की बात करते हैं, दर्जा देने की बात करते हैं, वो सही तरीके से हम कर सकें। तो देर ना करते हुए मैं इनसे बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कहना है ओवरऑल जो ये कार्यक्रम है उस पर आपका क्या कहना है। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं राजकुमार आशीर्वाद, मैं गीतकार और शायर हूँ और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद यही कहना चाहता हूँ कि जो बेटियों की दुर्दशा हुई है उसके लिए हमारे युवा जिम्मेदार हैं, युवा जिम्मेदार हैं संपूर्ण रूप से। कारण कि हमने कृष्ण भगवान की रास लीला को तो महत्व दिया, लेकिन उनके भाई का जो एक कर्तव्य है उसको हमने ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने, उनकी बहन मुँह बोली बहन थी, उन्होंने केवल चीर बाना था, उंगली में चोट लग गई थी तो कृष्ण भगवान के उंगली पे चीर बाना था, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण का अवसर आया तो पूरी शक्तियां जब हताश हो गई, निराश हो गई, तो यही भाई बनकर जो है उसकी रक्षा करते हैं, जरासंध का वध करते पूरे उन किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा इन्होंने जिन्होंने इनकी बहनों का कत्ल किया या उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की। तो आज यदि हमारा युवा वर्ग अपने भाई धर्म को निभाता है तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी माँ बहनों की तरफ ताक सके। ये सबसे बड़ा योगदान मैं अपने भाइयों का, युवाओं का आह्वान करता हूँ कि अपने भाई कर्तव्य को निर्वाह कीजिए, सभी समस्याएं। और जहाँ तक गणतंत्र दिवस की बात है तो सबसे पहले माँ भारती के सौगंध खाते हुए हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अधिकार हमारे हाथों में ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही कहना है कि झुका कर सर तेरी मोहब्बत का हम एहतराम करते हैं, झुका कर सर तेरी मोहब्बत का एहतराम करते हैं। आज से नहीं, हम सभी माँ भारती तेरे बेटे तेरे नाम ये जिंदगी नाम करते हैं। जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जागरूकता अभियान लाया जा रहा है, पहले आपने अक्सर सुना है, पहले क्या सभी ने सुना, हम सभी ने सुना है बधाई हो आपको बेटा हुआ है, लेकिन अब बधाई हो आपको बिटिया हुई है। तो ये जो अभियान शुरू किया है सरकार ने और जो सिस्टम अब इसको एक्टिवेट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस पर क्या कहना है आपको? ये कार्यक्रम जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है ये सराहनीय है, लेकिन ये केवल एडवर्टाइजमेंट न होकर इसको कार्य रूप में परिणित किया जाए, इसको साक्षात सामने देखा जाए, जो हम जुबान से कहते हैं वो करके दिखाएं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। हम गवर्नमेंट से और तमाम अधिकारियों से ये अनुरोध करते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और वो जो छवि उनकी धूमिल हुई है वो आलोकित हो जाएगी। बात बेटियों की हो रही है तो कोई एक ऐसा शेर जो आप बोलना चाहें बेटियों के ऊपर? तेरी तमाम मुश्किलों का हल कर सकती हूँ मैं, बेटी बोल रही है, तेरी तमाम मुश्किलों का हल कर सकती हूँ मैं, तेरी तरफ बढ़ने वाली हर बला को अपने पैरों तरह कुचल सकती हूँ मैं, बापू मैं तेरी बिटिया हूँ रे, मुझे दुनिया देखने से पहले क्यों मारना चाहता है तू, जिंदगी अगर जंग है तो लड़कर फतह हासिल कर, इसे लड़ने से पहले कायरों की तरह क्यों हारना चाहता है। बहुत ही शानदार बात आपने, बहुत अच्छी बात कही। गणतंत्र दिवस का दिन है, बेटियों के ऊपर एक कार्यक्रम, तमाम झांकियां आयोजित की गई हैं, हमने देखा, हम सभी ने देखा। आपने बहुत ही बढ़िया एक कविता या कहें या शायरी की चंद लाइनों के माध्यम से आपने समझाने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान की तमाम आवाम से, क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटियों के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उसको लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? मैं
अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि बड़ी बारीकी से कहना चाहता हूं कि बगैर मंजिल के कभी कोई कारवां नहीं होता। प्यार करिए, सारा जहान आपको इस्तकबाल करेगा। बेटियों के बारे में, बेटियों के बारे में यही कहना है कि यदि बेटियां नहीं होंगी तो हम यहाँ खड़े होकर कुछ बोल नहीं सकते। किसी माँ ने मुझे जन्म दिया, किसी बेटी के कोख से मैं पैदा हुआ, इसलिए बेटियां सर्वोपरि। और सबसे बड़ी बड़ी बात कि जिस पर हम खड़े हैं वो भी एक बेटी है, धरती माँ है, इसलिए इसका जहाँ मान होगा वहाँ सारी खुशियों का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने एक शायर के जज्बात, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कही। ऐसे तमाम लोगों से हम समय समय पे आपको मिलाते रहेंगे जिनके करने से बोलने से समाज में जागरूकता फैले और कहीं ना कहीं हम उस ज्ञान से उनकी कही गई बातों से कुछ सीख सकें। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।